नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंडेक्स प्रिडिक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कल के दिन मतलब 31 मई के दिन मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारा क्या प्रिडिक्शन रहेगा, कल के लिए क्या व्यू रहेगा। सबसे पहले अगर प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो लेवल दिया था 36,000 का जो टारगेट दिया था, मार्केट वहीं पे ओपन हुआ। बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, 36,000 के टारगेट पे ही मार्केट ओपन हुआ और वहाँ से एक चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था। जो वॉल्यूम के साथ ऊपर अपसाइड का जो मिलना चाहिए था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ही हमको जो हमारे टारगेट थे वो ऑलरेडी प्रीमियम खा गया था मार्केट। सो ऐसे इसमें हमने पैनिक होके कॉल नहीं लेना, और कॉल लेना भी है तो बहुत पेशेंस रख के और बहुत छोटा स्टॉप लॉस रख के कॉल ले सकते थे। बट मार्केट ने क्या किया, एक कॉल मैंने भी दिया था उसके रिगार्डिंग, सो उसके लिए बाद में डिटेल में बात कर लेते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, ये एक लाइन बना के रखी थी मार्केट ने। अगर आप देखोगे एक चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था जी, यहाँ से जब जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बहुत देर से मार्केट इसी के अंदर घूम रहा था, और जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पे पुट में बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए। देन मार्केट में यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन भी बनी थी, बट इतना समय ले लिया मार्केट ने अपने टारगेट अचीव करने में, वो कॉल बनता नहीं था, बट वो रिस्की ट्रेड था। पर जो पुट साइड का ट्रेड था वो बहुत ही पेशेंस रख के और बहुत ही अच्छा ट्रेड बना। हालांकि ऐसे बढ़ी हुई मार्केट में हमेशा बहुत पेशेंस रख के काम करना चाहिए और बहुत शांति से काम करना चाहिए। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में ऑलरेडी मैंने ये लाइन खींच के रखी थी 16,499 मतलब 16,500 के पास, मार्केट वहीं पे ओपन हुई और मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था और 16,700 मतलब 200 पॉइंट तक के टारगेट मार्केट ने दिए। बैंक निफ्टी जितना वीक दिखाई दे रहा था, निफ्टी उसके अकॉर्डिंग नहीं था उतना, बट मार्केट ने एक ऊपर के साइड में एक अच्छा मोमेंटम दिया। अब लाइन का इम्पोर्टेंस समझो दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि जब भी मार्केट 16,500 के आसपास मिले, यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के हमको पुट लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, मतलब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खा सकती है, और अगर रेजिस्टेंस यहाँ से खा सकती है तो ऊपर से क्या करेगी मार्केट, ऊपर से मार्केट सपोर्ट लेगी। तो जब सपोर्ट पे ही मार्केट ओपन हो रही है और पहली 5 मिनट की कैंडल मार्केट ने अपसाइड में ग्रीन क्लोज की है, तो एक रिस्की ट्रेड बोल सकते हैं इसको, और आप उसमें कॉल ले सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम मिला। देखिए पर होता क्या है, एनालिसिस पे विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे गैप अप का सिनेरियो हमने डिस्कस नहीं किया था, बट मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो क्या होता, जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ऐसे चलनी चाहिए वैसा हुआ नहीं, पर ऐसे टाइम पे हमको चार्ट और अपन ने जो लाइन खींच के रखे है उसको बड़े ध्यान से देख के ट्रेड करना चाहिए। अभी मार्केट में क्या हमारा क्या प्रिडिक्शन रहेगा कल के लिए, निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो है, जब तक मार्केट 16,500 को ब्रेक नहीं करती, जब तक मार्केट 16,500 को ब्रेक नहीं करती तब तक हमको कोई पुट की पोजीशन नहीं लेना है। मार्केट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, ये ऐसे कोई भी पॉइंट पे हमने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ही ट्राई करनी है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 16,500 के पास। जब मार्केट 16,490 के आसपास मतलब 10-15 पॉइंट अगर इसके नीचे भी आ जाती है, हम इमिजिएटली पुट ले लेंगे और ऊपर के साइड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे, और नीचे तक के टारगेट हो सकते हैं 16,400 के आसपास के। इस हिसाब से हमने नीचे के साइड में ट्रेड करना है, ऊपर के साइड में हमको यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब अगर गैप अप होता है मार्केट, जैसे आज गैप अप हुआ वैसे कल भी अगर मार्केट गैप अप होता है, तो एकदम ध्यान से अगर 16,800 के आसपास कर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे और नीचे के साइड में 16,700 या 16,600 के आसपास तक के टारगेट ले सकते हैं। फर्स्ट 700 लेंगे, देन सेकंड जो है 600 लेंगे। इस हिसाब से हमने पुट के साइड में ट्रेड करना है। फ्लैट ओपन होके जैसे यहाँ से नीचे का सिनेरियो हमने डिस्कस किया, यही से मार्केट अगर ऊपर बढ़ने लगती है, जस्ट अ मिनट, यही से मार्केट अगर ऊपर बढ़ने लगती है तो हम जब भी 700 ब्रेक करेगा मार्केट, 16,700 ब्रेक करेगा मार्केट, तब हम 800 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। इस हिसाब से हमने निफ्टी में ट्रेड करना है।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है बहुत ही इजी नहीं लग रहा है, जैसा निफ्टी भी इजी नहीं था, बट बैंक निफ्टी उतना इजी नहीं लग रहा है। अभी बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए, एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। मार्केट कैसे भी धीरे धीरे या गैप अप गैप डाउन होके मार्केट इस जोन के आसपास आना चाहिए। ये जो जोन में बना रहा हूँ इस जोन के आसपास आना चाहिए, और जो 35,500 का लेवल है ये लेवल हमारा सेम रहेगा, इसके नीचे पुट और इसके ऊपर कॉल। इस जोन के आसपास, आपको आसपास बोल रहा हूँ मैं, जितने दूर आप यहाँ पे अगर कॉल ले लेंगे, यहाँ पे कॉल ले लेंगे, तो उतना आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमको कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और 36,000 जो है वो हमारे फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं। देन सेकंड, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है ऊपर के साइड में, तो हमको ऊपर के साइड में 16,600 तक के टारगेट ऊपर के साइड में मिल सकते हैं। इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर बढ़ने लगती है, तो जब मार्केट 36,100 को ब्रेक करेगी तब हम कॉल की पोजीशन लेंगे यहाँ पे। ये बहुत सिंपल सिनेरियो रहेगा ऊपर के साइड में। और जब मार्केट 36,100 को ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे हम, ये तो टारगेट का हो गया, अगर गैप अप ओपन होती है और 36,600 के आसपास या 36,400 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, तो हम मार्केट को अवॉइड करेंगे या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। इतना सिंपल ट्रेड लेना है, और आज लाइन थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो गई है, तो आप समझ लेना, जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने टर्मिनल पे ड्रॉ कर लेना। थैंक यू सो मच।